हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल चुका होगा, वीडियो में बात होगी कुलसुम नायक के बारे में। और सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से कुलसुम नायक को भी, उनकी बेटी सोफिया को भी। देखिए, हम इन लोगों को ना बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं टिकटॉक के टाइम से, और कहीं ना कहीं इतने सालों से एब्जॉर्ब करने के बाद हमें मतलब इन लोगों का नेचर भी पता चल जाता है कि कौन इंसान किस नेचर का है ना। और हाल ही में फिलहाल जो है वो कुलसुम नायक ने कल एक ब्लॉग डाला, और उसमें उन्होंने जो है वो अपनी बेटी की एंगेजमेंट कर दी है, सोफिया की सगाई हो चुकी है। हालांकि जहां तक मुझे लगता है सोफिया भी कम एज की है। सोफिया क्या, जो इनकी बड़ी बेटी थी आफरीन, वो भी कम एज की ही थी। अभी बहुत कम एज में इनकी बच्चियों ने शादी मतलब करने का, या फिर वो कुलसुम नायक ने लिया वो डिसीजन, या फिर बच्चियों ने खुद लिया, वो एक ही बात है। बहुत कम उम्र में इन बच्चों की जो है वो शादी हो रही है। और सोफिया की तो अभी मुझे कम ही लगती थी एज, बहुत ज़्यादा। मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसकी शादी या फिर सगाई कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी में क्यों हुई हैं, कुलसुम नायक ने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है। हाँ, व्लॉग में ये ज़रूर बताया है कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैं उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि भाई इतना जल्दी ये सारी चीज़ें क्यों हुई। तो हमें इंतज़ार रहेगा उनके व्लॉग का कि कब वो पब्लिक के साथ ये सारी चीजें शेयर करेंगी कि भाई क्यों इतनी जल्दी अपनी बेटी की सगाई उन्होंने करी है इतनी हड़बड़ी में। लेकिन चलो, जो भी हो, अभी तो हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है, और ऊपर वाला जो है वो सोफिया को ढेर सारी खुशियां दे उसकी आने वाली जिंदगी के लिए, बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ ही थोड़ा सा ना बुरा भी फील हुआ, क्योंकि जब दोनों माँ बेटियाँ एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी ना, तो सच में ही मेरी भी आंखें नम हो गई। क्योंकि कुलसुम पापा का फेस देखकर ना बहुत अजीब सा लग रहा था मेरे को, पता नहीं क्यों। एक अंदर से मतलब मैं उनके दुख को ना फील कर पा रही थी, चाहे फिर वो बड़ी बेटी को लेकर हो या फिर हस्बैंड को लेकर हो। यार, एक औरत का रहता ही है कि अगर मतलब मेरे बच्चों का कुछ हो रहा है, ब्याह शादी कुछ भी हो रहा है, सगाई हो रही है, तो एक रहता है कि आदमी का सिर अगर हाथ पे हो तो। वैसे तो देखो, मैं ये नहीं कहती कि भाई आदमी के बिना औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। औरत भी अपने बच्चों को पाल सकती है अच्छे तरीके से, औरत भी अपनी ज़िंदगी अकेली काट सकती है, लेकिन एक फिर भी होता ही है कि बच्चों के ऊपर बाप का साया होना बहुत ज़रूरी होता है। और दोनों ही माँ बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, वो रो भी रही थी एक दूसरे के गले लगकर, जो कि देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा मतलब फील हुआ। यहाँ पर इस फोटो में आप लोग देख सकते हो कुलसुम पापा की आंखें जो है वो भरी हुई हैं, और सोफी भी उनके गले लगकर रो रही हैं। तो थोड़ा सा दुख होता है ना, पता नहीं अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या चीजें चल रही होंगी, क्योंकि दोनों माँ बेटी ही हैं। बड़ी बेटी की भी शादी हो गई है, इसकी भी हो जाएगी, उसके बाद कुलसुम पापा अकेली हो जाएंगे। हालांकि वो सलमान है, छोटा जो बेटा उन्होंने बनाया है उसको, सलमान को अपना बेटा ही मानती है वो, ठीक है। तो लेकिन चाहे कुछ भी हो, जितनी मर्जी जल्दबाजी में इन लोगों ने ये डिसीजन लिया हो, लेकिन फिर भी कुलसुम पापा ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई। अपनी तरफ से जो है जितना वो कर सकती थी उतना उन्होंने किया है, रातों रात सारी चीजें अरेंज करी हैं उन्होंने, तो जितना उनसे हो पाया है उतना उन्होंने किया। खैर, बड़ी बेटी की एंगेजमेंट तो आप लोगों ने देखी ही थी कि भाई कितने धूमधाम से, जिस तरीके से प्रॉपर लोग शादियां करते हैं ना, उतना खुला खर्चा और उतनी धूमधाम से उसकी सगाई की गई थी। लेकिन अफसोस कि शादी तक वो रुकी नहीं लड़की। खैर, जो भी इन लोगों की मजबूरियां रही हो। तो चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही है। इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, बहुत जल्द हम लोगों को हो सकता है कि सोफी की शादी भी देखने को मिले। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।